अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो वीडियो है ये है LMS पे हम डॉक्यूमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं LMS पे, ठीक है ना, वहाँ पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। मगर इस वीडियो में डॉक्यूमेंट जो है, अगर आप बच्चों को असाइनमेंट दोगे या स्टडी मटेरियल दोगे तो उस सूरत में आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वो डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नोटबुक पे लिखा, कुछ क्वेश्चंस लिखे, कोई टॉपिक लिखा या कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे, तो उनको क्या करना है, उनकी तस्वीर लेनी है या तस्वीर वो उनकी जो तस्वीर लेनी है वो गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपने उसकी कैमरा से फ़ोटो ली, फिर वो आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस। जैसे देयर इज वन एप्लीकेशन कैम स्कैनर, देयर इज अनदर एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ आई स्कैनर, उसकी मदद से आप इमेज को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। या अगर आपके पास कोई फाइल है वर्ड में आपने टाइप करके रखी है, वो भी आप उस सूरत में भी वो भी आप अपलोड कर सकते हो, वर्ड फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा जो रहता है वो रहता है PDF फॉर्मेट में, अगर आप फाइल होगी तो वो ज़्यादा ठीक रहती है। तो PDF एक इमेज को, जैसे हम PDF तो डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, या तो हमने पहले क्या करना है, टाइप करना है कुछ, फिर उसको PDF में कन्वर्ट करना है, या इमेज लेनी है। ज़्यादातर हम इमेज लेंगे, उसको भी हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वेरियस एप्लीकेशन। अगर आप चाहोगे तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इमेज को हम कैसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक वीडियो तैयार कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमने LMS पे डॉक्यूमेंट ऐड करना होगा, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वो जो अपनी स्टडी मटेरियल तैयार किया है, असाइनमेंट तैयार किया है, वो सबसे पहले हमने लोकेट करना है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। आपने मोबाइल से तस्वीर ली या आपने आपके मोबाइल में एक PDF है वही आपको अपलोड करनी है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है वही आपको लोकेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल मैनेजर पर जाना होगा। देखो यहाँ पर ये मेरे मोबाइल में फाइल मैनेजर है, यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा। मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो मैंने रखा है अपने फ़ोन में, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये मेरी फ़ोन की फ़ोन स्टोरेज है, ओके, ये SD कार्ड है मेरे फ़ोन में, ठीक है ना। तो ये इन दोनों में कहीं पर हो सकती है, तो मुझे पता है मैंने कहाँ रखी है। आपको भी सर्च करना है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया है इन द फॉर्म ऑफ PDF वर्ड, तो मुझे वो कहाँ पर है। अगर वो इमेज है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने वो मोबाइल कैमरा से ली है तो ये DCIM में होगी, DCIM यहाँ पर हो सकती है, फिर कैमरा का ऑप्शन रहता है तो यहाँ पर हो सकती है वो फाइल, ठीक है ना। तो अगर आपका आपके पास वो PDF हो, ठीक है ना, तो फोन आप यहाँ पर चेक करना है किस वाले फोल्डर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑल फाइल्स में जाके मैंने वो जो PDF है मैंने इस एप्लीकेशन से, वो कैम स्कैनर एप्लीकेशन है, उसी से मैंने PDF को इमेज थी मैंने मैंने उसको PDF में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर है मेरी कैम स्कैनर में, यहाँ पर है कैम स्कैनर में, तो ये है फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.1 सॉल्वड, यहाँ पर मैंने ये सेव कर रखी है। तो मुझे पता है कि इसकी डिटेल्स मुझे पता है कि ये फाइल जो है जो मुझे अपलोड करनी है वो यहाँ पर है। पहले मुझे फ़ोन स्टोरेज में जाना है, ठीक है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर पहले मुझे फ़ोन स्टोरेज में जाना है, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर और एक फोल्डर है डिस्कॉर्ड है कैम स्कैनर, यहाँ पर है कैम स्कैनर, तो मुझे कैम स्कैनर में जाना है, तो यहाँ पर मेरी वो फाइल है जो मुझे अपलोड करनी है, ठीक है ना। ओके, तो वो मैंने ये अब मुझे मैंने ये याद रखा कि वो फाइल कहाँ पर है। अब यहाँ से मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है ना, यहाँ से मैं वापस आ जाऊँगा, मैं जाऊँगा डायरेक्टली LMS की साइट पर, ओके। तो आपको जो आपके मोबाइल में लिंक है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, वो लिंक यहाँ पर रखा, होम स्क्रीन पे रखा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना। अगर आपके पास लिंक है तो आप लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, LMS की साइट क्रोम में ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर ये है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पर
फील्ड है तो मैं साइन इन करूँगा, ठीक है ना। तो साइन इन के बाद क्या करना है, जैसे आपने वीडियो अपलोड किया था उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट भी ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो 3 हॉरिजेंटल रोज यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ मुझे क्लिक करना है कि मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, डैशबोर्ड है, पासवर्ड मैनेजमेंट है, स्टूडेंट मैनेजमेंट है, ई कंटेंट है, तो आपको ई कंटेंट पे क्लिक करना है। अब 4 और ऑप्शन आते हैं, ऐड कंटेंट एक, व्यू असाइनमेंट दूसरा, नंबर 3 इज़ अपडेट कंटेंट, नंबर 4 सर्च कंटेंट। अब ऐड कंटेंट पे आपको जाना है जैसे आपने वीडियो अपलोड किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके एक नया यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, वो आपको बताएं कुपवाड़ा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो पर फिल किया गया है, देन जोन हंदवाड़ा। अब स्कूल पे आपको क्या करना है, अपना स्कूल वो आपका वहाँ पर से वहाँ से ही आपको प्रोवाइड किया होगा, JMS कोलंगाम जैसे। अब क्लास, जैसे जैसे मैंने ये क्लास पे जैसे मैंने ये स्टडी मटेरियल 8th का है तो मैं 8th पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर 1st से लेकर यहाँ पर 8th तक मुझे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। जैसे JMS कोलंगाम क्योंकि ये मिडिल स्कूल है तो मुझे ऑप्शन 8th तक ही आती है, ठीक है ना। तो अगर आपका स्कूल फॉर एग्जांपल हायर सेकेंडरी है तो 12th का आ जाएगा, हाई स्कूल है तो 10th तक ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। देन स्ट्रीम नेम, ओके, सो स्ट्रीम नेम पे यहाँ पर आता है जनरल 1 to 10th, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो 1 to 10th तक ही है, यानी कि 8th के लिए तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। देन सब्जेक्ट कौन सा आपका सब्जेक्ट यहाँ चूज़ करना है, ओके, तो मेरा मैथमेटिक्स है यहाँ पर तो मैं यही चूज़ करूँगा, ठीक है ना। अब कंटेंट टाइप पे यहाँ पर आपको ज़रा गौर करना है, कंटेंट टाइप में कितने ऑप्शन हैं, असाइनमेंट एक है, दूसरा है स्टडी मटीरियल डॉक्यूमेंट, तीसरा है स्टडी मटीरियल वीडियो, चौथा है स्टडी मटीरियल ऑडियो। तो मुझे क्या करना है, इन 4 में से एक, जैसे वीडियो आपने ऑलरेडी उसका वीडियो मैंने तैयार किया है वो आपने देखा होगा, ओके। अब हमारे पास 3 ऑप्शन, अगर आपके पास ऑडियो है तो ऑडियो सिलेक्ट करना है, फिर वो ऑडियो आपको पहले उसी फायर मैनेजर में वो आपको याद रखना होगा ऑडियो कहाँ पर है, वो फायर मैनेजर में जाके वहाँ पर आपको ट्रैक याद रखना है, फोन स्टोरेज में फिर किस फोल्डर में है, फिर किस फोल्डर में वो आपको ट्रैक याद रखना है, ठीक है ना। तो चूँकि मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरा डॉक्यूमेंट है, तो मुझे अब ऑप्शंस 2 है, असाइनमेंट में करूँ कि या असाइनमेंट करूँ या स्टडी मटेरियल करूँ, क्योंकि मेरा स्टडी मटेरियल है, ये बच्चों को मैं मटेरियल दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, ये आप पढ़ो। हाँ, अगर आपने कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस आप दिए हैं, वो बच्चों से आपने उस क्वेश्चंस का आंसर देना है, बच्चों के लिए आपने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, बच्चों को आपने कहा कि ये क्वेश्चंस का खेला या ये टॉपिक है इस पर कुछ लिख के ला, तो उसके उस सूरत में आपको असाइनमेंट यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है ना। अब जाके अब मेरा है स्टडी मटेरियल, ये बच्चों को घर पे पढ़ना है, जैसे मैंने एक एक्सरसाइज सॉलो करके रखी है, वो आपको बच्चों को अपने नोटबुक पे उतारनी है, फिर वही आपको उनको पढ़ना है, वो क्वेश्चंस नहीं है उनके लिए, अगर उनके लिए क्वेश्चन होगा तो असाइनमेंट करना है, क्योंकि अब ये सॉल्वड है, ये स्टडी मटेरियल है, उनको पढ़ना है, तो मैं स्टडी मटेरियल डॉक्यूमेंट चूज़ करूँगा, ठीक है ना, ओके। अब टाइटल क्या है, टाइटल आपको लिखना होगा, टाइटल है फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ओके, एक्सरसाइज 14.1 सॉल्वड, ओके, ये टाइटल मैंने रखा। अब यहाँ पर अटैचमेंट है यहाँ पर है एक्सटर्नल लिंक उस सूरत में अगर आपने YouTube पे वीडियो अपलोड किया है या ऑडियो अपलोड किया है YouTube पे, तो उस सूरत में आपको वहाँ से लिंक कॉपी करके लानी है, यहाँ पर पेस्ट करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर जब मैं प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो पेस्ट आएगा। अब जबकि अब आपको अपने YouTube पे अपलोड नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चूज़ फाइल करना है, ठीक है ना। चूज़ फाइल जब आप करोगे, ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ये वाला चूज़ फाइल अगर आपके फ़ोन में ही है, ठीक है ना, तो आपको चूज़ फाइल करना है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, कैमरा आएगा, वीडियो आएगा, रिकॉर्डर आएगा, ठीक है ना, फाइल्स आएगा। एक काम कर सकते हो, अगर आपने अभी फ़ोन में स्टोर नहीं है, अब यहाँ से आप इमेज ले सकते हो, कैमरा ओपन कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कैमरा ओपन करूँगा तो यहाँ से आप तस्वीर ले सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से आप तस्वीर देख सकते हो। तो
यहाँ पर फिर अपलोड होगी वो। तो जैसे मैंने वो फ़ोन में रखा है कि आप वीडियो किसी चीज़ का लोगे तो वीडियो भी ले सकते हो, या आपको रिकॉर्ड करना है ऑडियो तो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी स्टोर है तो फाइल्स में जाना है ठीक है ना, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी स्टोर है तो मैं इस वाली फोटो में जाऊँगा फाइल्स में, ठीक है ना। मैंने फाइल्स ओपन की, अब मुझे पता है मेरा जो मेरी जो ये जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने फ़ोन स्टोरेज में रखा है। तो मैं यहाँ जो 3 lines है यहाँ पर, मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है मुझे नीचे, यहाँ पर यूर डाउनलोड है, नीचे है CPH18, ये मेरी फ़ोन स्टोरेज है, दिस वन, ये SD कार्ड है। मुझे पता है वो मेरी फ़ोन स्टोरेज है, तो मैं ये क्लिक करूँगा। फ़ोन स्टोरेज के बाद मुझे पता है वो मुझे कैम स्कैनर वाले फोल्डर में जाना है, तो मैं ढूंढूँगा वो कैम स्कैनर वाला फोल्डर कहाँ है। कैम स्कैनर फोल्डर यहाँ पर है, ठीक है ना। अब मैं ये ओपन करूँगा, ठीक है ना। तो अब मुझे ढूंढना है कि फैक्टराइजेशन वो वाला टॉपिक कहाँ है, वो यहाँ पर है वो टॉपिक, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 14.1 सॉल्वर PDF, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको सिंपली टॉपिक का नाम लिखना है, चैप्टर का नाम है जो आप चैप्टर पढ़ाते हो, ठीक है ना। यहाँ कुछ आप डिस्क्रिप्शन अपने तरीके से लिख सकते हो, क्या है ये, क्वेश्चन आंसर्स हैं वगैरह, जो भी आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड। फिर मुझे डायरेक्टली सबमिट करना है, ये मैं सबमिट करता हूँ इधर। अब ये सबमिट हो रहा है, ये सबमिट हो गया, कंटेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, आप खुद भी कर सकते हो इंशाल्लाह।